हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का क्लास है आपका मैथ का, ठीक है, और ये है आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर क्लास है जो है आपका मैथ का, ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर है 4। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका पूर्ण संख्या पर संक्रियाओं का प्रगुण, जो भी आपके गुण होते हैं, जैसे समारक गुण हो गया, आपका क्रम विनिमेय का हो गया, ये सब आपको देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपका। जैसे कि पूर्ण संख्या है इस पे, तो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का, फिर हम रेखा प्रदर्शन देखेंगे पहले, जोड़ का कैसे करते हैं प्रदर्शन, रेखा पे कैसे जोड़ते हैं चीज़ों को, और फिर रेखा पर हम कैसे घटाते हैं ये देखेंगे, ठीक है। ये देखिए दिखाया गया है कैसे घटाते हैं रेखा पे, और उसके बाद आपका गुणा कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, संख्या रेखा पर गुणा का प्रदर्शन ये भी देखेंगे। और उसके बाद आपके यहाँ से गुण स्टार्ट होते हैं पूर्ण संख्या के, प्रगुण कौन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है आपका पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले देखेंगे कि योग पे कौन कौन करता है, मतलब प्लस पे, ठीक है, फिर माइनस पे भी देखेंगे, फिर आपके गुणा पे देखेंगे, और फिर आपके भाग पे देखेंगे कि जो आपके पूर्ण संख्या पे जो भी गुण हैं, जितने भी गुण हैं, किस पे फॉलो करते हैं आपके, प्लस पे, माइनस से, गुणा पे और आपके भाग पे। तो सबसे पहले देखेंगे आपका पूर्ण संख्या का गुणा पे, ठीक है, योग पे देखेंगे सबसे पहले पूर्ण संख्याओं पर योग का प्रगुण, मतलब योग पे कौन कौन सा गुण आपको फॉलो करता है वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपका योग का संवरक, ठीक है, मतलब कि संवरक गुण देखेंगे क्या योग पे फॉलो करता है कि नहीं पूर्ण संख्या पे। उसके बाद देखेंगे क्रम विनिमेय प्रगुण, आपके योग पे ही देखेंगे क्रम विनिमेय फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका तत्सम, योग तत्सम आया देखेंगे आपका योग पे ये क्वालिटी फॉलो करती है कि नहीं। फिर आपको योग का साहचर्य प्रगुण देखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं घटाने पे। अब इन्हीं सभी पार्ट, मतलब जितने भी गुण दिखाए गए हैं आपके, स्वरक हो गया, क्रम विनिमय हो गया, तो सब सभी आपके प्लस वाले पे फॉलो करते हैं क्या, घटाने पे भी करते हैं कि नहीं, तो ये जानना है। बेसिकली घटाने पे नहीं करते हैं आपके, प्लस वाले पे करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बारी बारी देखेंगे, घटाने पे चेक करेंगे घटाने पे कौन कौन करता है, तो इसमें भी घटाने पर हम क्रम विनिमय को चेक करेंगे। फिर घटाने में शून्य की तत्समकता क्या होता है उस पर चेक करेंगे। फिर घटाने के संक्रिया में साहचर्य प्रगुण फॉलो करता है कि नहीं ये देखेंगे, ठीक है। तो माइनस वाले पे कोई नहीं फॉलो करता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे गुणा पे, ठीक है। अब गुणा पे पूर्ण संख्या पर सभी गुण को हम चेक करेंगे करता है कि नहीं, तो आपका गुणा पे करता है सभी गुण। तो आपका प्लस पे और गुणा पे आपके जितने भी प्रॉपर्टी हैं फॉलो करते हैं, लेकिन माइनस और भाग पे फॉलो नहीं करते हैं, तो इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गुणा पे चेक किया गया, देखिए गुणन का साहचर्य प्रगुण, ठीक है, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, ठीक है, वितरण नियम फॉलो करता है कि नहीं ये सब। उसके बाद हम भाग पे देखेंगे, ठीक है। तो ये भाग पे है आपका लास्ट, तो ये आपके बड़ा चैप्टर है, जितना हो सके करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आपका आधा मतलब माइनस तक ही चेक करके नेक्स्ट वीडियो में आपका गुणे पे और उस पे भाग पे चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइए, जो ये है आपका, इस पे सारी ये आपके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जो है आपका टेलीग्राम लिंक @DLEDstudyclasses, ठीक है। यहाँ से ही आपके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं पीडीएफ के द्वारा, जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथ है आपका 4th चैप्टर, ठीक है। तो हमने आपको इसके पहले सभी संख्याओं के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपके सभी के बारे में बताया। तो हम बात करने वाले हैं आपका पूर्ण संख्या के बारे में, तो थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं आपका। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में जब शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या आपका एक से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, अगर उसमें जीरो को भी ले रहते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। मतलब हम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या बड़ा होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है, और प्राकृतिक संख्या आपकी एक से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखिए क्रम
क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होता है? तो क्या कह रहा है, दो क्रमागत पूर्ण संख्या के बीच का अंतर सदैव एक होता है, मतलब कि पूर्ण संख्या आपका 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट जाती है। तो कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर एक होता है, जैसे कि इनके बीच का अंतर आपका एक है, दो में से एक घटाइए आपका एक, फिर इनके बीच का अंतर भी क्या है एक है, जैसे तीन में से एक घटाइए दो घटाइए आपका एक, और इनके बीच का अंतर एक में से 0 घटाइए आपका एक। कहने का मतलब है जो क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो क्रम से होती हैं, उनके बीच का अंतर एक होता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखापथ, हम बताए थे प्रदर्शन आपका, अगर बस आपको संख्या रेखापथ कराना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, फिर बीच में 0 को लेते हैं और प्लस वाला होता है इधर चलते हैं, ठीक है, और जो माइनस वाली संख्याएं होती है इधर चलते हैं। 1 बस दिया होगा तो यहाँ हो जाएगा, फिर 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। वही संख्या माइनस में है तो 0 की साइड लेफ्ट साइड चलते हैं, तो -1 -2 -3 -4, तो ऐसे हम पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखाया गया है, अगर माइनस में भी है तो इधर चलेंगे, ठीक है, अगर माइनस में नहीं दिया है तो बस इतना ही होगा आपका, अगर माइनस में भी संख्याएं दी गई हैं तो 0 के बाद चलते हैं। अब देखते हैं कि संख्या रेखा पर योग प्रदर्शन, हम तो नॉर्मली संख्या को प्रदर्शित कर रहे थे, ना उसमें जोड़ रहे थे कुछ ना घटा रहे थे, बस जो भी संख्याएं हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो यहाँ आपको दिखाया गया था। अब हम क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे भी, ठीक है, और इस पे संख्या रेखा पे ही जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल में आपका दिखाया गया है, आपको 3 और 2 को जोड़ना है, ठीक है, तो सबको पता है 3 और 2 5 होता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना लाइन खींचेंगे, ठीक है, उसके बाद बीच में 0 लेते हैं, आपको पता है, फिर ऐसे 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं, फिर 5 लेते हैं, ठीक है, और प्लस फिर आपका 6 लेते हैं, ऐसे संख्या पे लेते हैं, इधर माइनस चलते रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है आपको 3 में 2 को जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर दिखाया गया, फिर से दिखा देते हैं आपके, यहाँ 0 हो गया, आपको 3 में 2 जोड़ना है, ये 5 आता है आपका, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, हम प्लस वाले ही ले रहे हैं क्योंकि संख्याएं प्लस में दी गई हैं, अगर माइनस में यहाँ -3 या -2 होता तो हम इधर चलते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों प्लस में दिया गया है, तो 1 2 3 कहाँ तक चलेंगे हम, 5 तक ही चलने की जरूरत है क्योंकि हमको 5 से ही मतलब है, आगे चलने से कोई फायदा नहीं है, हमको जरूरत 5 तक ही है, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 में 2 को जोड़ना है, ठीक है, तो आप 3 से स्टार्ट करिए यहाँ से, ठीक है, और 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है ना, 2 संख्याओं को, तो पहले एक इस पे जाइए, फिर एक और संख्या पे, 2 संख्या पे, देखिए तो 2 संख्या पे गया ना बारी बारी से, तो आपका 5 आ गया, यही आपका, ऐसे हम इस पे संख्या रेखा पे जोड़ ऐसे ही जोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट होता है आपको जो जोड़ना है उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और फिर अगली संख्या देखते हैं कितना है, फिर उतना ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम 2 बार चले हैं क्योंकि 2 तक जोड़ना था आपको, तो आपका यहाँ 5 आ गया, ठीक है। तो देखिए ये संख्या रेखा पे आपका रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अगर हमको ऐसे इसको देखे कैसे किए हैं, तो सबसे पहले क्या करें, बिंदु 3 से प्रारंभ करके अग्रिम 2 संख्या पर जाते हैं, 3 से प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि 3 में 2 जोड़ना है, और फिर 2 तक जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका 5 मिल जाता है, क्योंकि आपका 2 में 3 जोड़ना होता है, इसलिए 3 से स्टार्ट करते हैं, और ऐसे कितने बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 जोड़ना था आपका, तो आपका यहाँ पे 5 आ जाता है, ठीक है, जो ये आपका यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका संख्या पर घटाओ, ठीक है, अभी हमने जोड़ना सीखा है, अब घटाना सीखेंगे, इसमें क्या करेंगे, सेम वैसे ही घटाएंगे, लेकिन हम ऐसे जा रहे थे ना, अब हम लोग ऐसे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम घटा रहे हैं, कम हो रहा है, चीज़ें बढ़ती है तो हम मैक्सिमम की साइड जाते हैं, और चीज़ें घटती है तो मिनिमम, जैसे कि 0 पे ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 होता है आपका, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर हम जा रहे हैं, देखिए बढ़ रहा है, 1 2 3, अगर हम पीछे जाएंगे तो घटेगा, देखिए 2 से 3 होगा, 3 2 से 3
थ्री से टू हुआ, टू से वन हुआ, वन से जीरो हुआ, तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। ठीक है, तो घटाने में हम क्या कर जाते हैं, पीछे चलते हैं। तो अगर आपको छः में से तीन घटाना है तो ना, छः में से तीन घटाएंगे तो तीन आएगा आपका। तो संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, ठीक है, उसके बाद जीरो यहाँ लिखेंगे, यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, यहाँ फाइव, यहाँ सिक्स। हम सिक्स तक क्यों गए, क्योंकि मैक्सिमम इसमें सिक्स है, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर तक जाते हैं, बाकी तीन तो आ ही जाएगा इसके अंतर्गत। और हम प्लस वाले पीस ले जा रहे हैं, क्योंकि ये सब संख्याएं प्लस में है, छः प्लस में है आपका। तो क्या करेंगे अब हम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना आपका, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पहले से स्टार्ट करते हैं, प्लस वाले भी कर रहे थे, तो ये पहले क्या आपका छः है, छः में माइनस तीन करना है ना, ये तीन आएगा, तो यहाँ छः से स्टार्ट करेंगे। तो छः से स्टार्ट करते हैं, और कितने संख्या तक चलेंगे, तीन तक, आगे जितना रहता है उतना चलते हैं कॉलम। यहाँ से इस पे जाइए, ठीक है, इसके बाद फिर एक और गए इस पे, फिर उसके बाद यहाँ पे तीन चले हैं, क्योंकि यहाँ तीन है। देखिए छः पे चले, फिर कहाँ पे आ गए, तीन पे, तो छः में से तीन घटाए तो क्या आ जाएगा, तीन, तो तीन आपका आंसर आ गया ना। वैसे भी आपका छः में से तीन घटाएंगे तो तीन आ जाएगा, तो इस प्रकार हम घटाते हैं संख्या रेखा पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संख्या रेखा पर गुणा का प्रदर्शन। अभी हमने प्लस को देखा है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने माइनस को देखा है, अब हम लोगों ने क्या देखा, देखना है हमको, अब हमको देखना है गुणा पे। तो सबसे पहले वैसे ही करेंगे, अगर आपको 3 × 3 का करना है तो आपका 3 × 3 9 होता है, तो मैक्सिमम 9 है तो 9 तक चलना पड़ेगा आपका। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट छोटा हो जाए, हो गया, एक मिनट, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 9। तो क्या करेंगे आपका, 3 × 3 को लेना था आपका, तो 9 आएगा, ठीक है। तो आपका क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे 0 से, और कितना स्किप करते जाएंगे आपका, 3 का, ठीक है, 3 का पेयर बनाते जाएंगे। तो यहाँ से आपका एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हुआ, तीन ये हो गया, तो आप डायरेक्ट 3 पे यहाँ चले जाइए, ठीक है। और ये कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, ठीक है, 3 का पेयर बनाएंगे और 3 बार आगे स्किप करेंगे, फिर यहाँ से फिर 3 ले जाइए, 3 यहाँ जाए, जैसे एक ये हो गया, दो तीन यहाँ पे चले आए, फिर एक और 3, ये तो 2 बार हुआ, इसको भी 3 बार लेना है, फिर 3 यहाँ पे जाएगा, 1 2 3, ठीक है, तो 9, तो 3 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा आंसर। देखिए यहाँ भी 9 आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, गुणा को आपका लाइन रेखा में संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इनमें दोनों पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करके प्राप्त संख्या 0 से प्रारंभ करते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रारंभ कर रहे थे, और दाईं ओर बढ़ते बढ़ते हुए गुणा गुणनफल तक चलते हैं, दाएं ये है आपका ना, इधर ही चलते हैं आपका, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक, कहने का मतलब है। और क्या करते हैं, इनमें शून्य से शुरू करके जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उतना कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 से गुणा में 3 से कर रहे थे तो 3 कदम आगे बढ़ते जाते हैं, ये बीच में 3 3 का वो करके, ठीक है, ऐसे यहाँ 3 का होना चाहिए, और ये आपका, ये भी आपका 3 का होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं संख्या रेखा पर। अब आता है मेन आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया के प्रगुण, जो गुण होते हैं आपके पूर्ण संख्या पे, तो हम सबसे पहले आपका, जैसे कि कोई भी आपका प्रगुण होता है, वो जो आपका जो ऑपरेशन होता है, मतलब कि प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी आपका आ सकता है, तो किस पे कौन सा गुण फॉलो करता है वो वन का वन वन बाई वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्लस पे कौन कौन सा आपका गुण आपका फॉलो करता है, क्या आपका जो संवरक नियम है आपका प्लस पे करता है कि नहीं, या माइनस पे करता है कि नहीं, प्लस गुणा पे करता है कि नहीं, भाग पे, तो अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले सभी गुणों को हम प्लस पे चेक कर लेंगे कि प्लस पे कौन कौन से सारे गुण आपको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो जितने भी गुण हैं आपके पहले प्लस पे चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्याओं पर योग योग के गुण, ठीक है, पहले योग पे चेक करेंगे जो भी आपके प्रगुण हैं। तो पहला प्रगुण है आपका संवरक प्रगुण, तो इस पे हम किसको चेक करेंगे, योग का संवरक, मतलब योग पे हम चेक करेंगे कौन
कौन सा ऑपरेशन लेंगे हम, प्लस वाला, इस पे चेक करेंगे कि क्या ये आपका जो संवारक प्रगूढ़ है आपका लागू होता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे आपका संवारक होता क्या है। संवारक होने का मतलब ये होता है कि कोई भी दो संख्याओं को आप जोड़ते हैं वो दोनों पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। जैसे कि पूर्ण संख्याएं आपके 2 हो गया प्लस 3 हो गया, ठीक है, ये आपका जोड़ने के बाद 5 आ गया, तो ये भी आपका पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। संवारक नियम ये कहता है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को आप आपस में जोड़ते हैं, जोड़ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जोड़ पे चेक कर रहे हैं, अगर माइनस लेना होता तो हम उस पे घटाने पे चेक करते, लेकिन अभी हमको संवारक नियम को किस पे चेक करना है, प्लस पे, इसलिए हम यहाँ बीच में प्लस लिए हैं। तो संवारक कहेगा, योग का संवारक गुण ये कहता है, अगर आप दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो भी अगर पूर्ण संख्या आता है तो आपको उसको उस मतलब की गुण को हम योग का संवारक गुण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो योग का संवारक गुण होता है, संवारक गुण जो होता है वो योग को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, मतलब दो संख्याओं को जोड़ेंगे जो आपका पूर्ण संख्या है तो जो आंसर आएगा वो भी आपका पूर्ण संख्या ही आता है, तो ये आपका फॉलो करता है। जैसे 3 प्लस 5 ये भी आपका पूर्ण संख्या, ये भी 5, 5 भी पूर्ण संख्या है, जब इनको जोड़े हैं तो 8 आया है और 8 भी आपका पूर्ण संख्या है, तो ये आपको फॉलो करता है। ऐसे ही 4 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है और 7 4 11, 11 जो आपका आंसर है ये भी पूर्ण संख्या है, तो बीच में प्लस था आपका, तो ये आपका योग का संवारक प्रगुण फॉलो करता है। ठीक है, तो संवारक गुण यही होता है। ठीक है, योग का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय मतलब कि क्रम चेंज करने पे क्या आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, 3 में 2 जोड़िए तब भी 5 आएगा, और इसका क्रम चेंज करिए मतलब 2 को यहाँ रखिए, 3 को यहाँ, तब भी जोड़िए तब भी 5 आएगा, तो यहाँ प्लस है तो प्लस पे तो योग हो गया। अक्रम विनिमय मतलब हम क्रम चेंज कर दिए हैं तो अभी भी हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये आपका फॉलो करता है। ठीक है, तो योग का क्रम विनिमय नियम जो होता है आपका आपका ये फॉलो करता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप 4 प्लस 3 = 7 है, अब इनका क्रम चेंज कर दिया गया, 3 को यहाँ कर दिया गया, 4 को यहाँ, तब भी आपका 7 आ रहा है, लेकिन ये अगर आप माइनस में चले जाएंगे तो आंसर अलग आ जाएगा, तो माइनस पे ये नहीं फॉलो करता है क्रम विनिमय। ठीक है, लेकिन आपका प्लस पे फॉलो करता है। हम जब माइनस वाला पढ़ेंगे गुण तब भी उसमें भी देखेंगे सारे नियमों को, तो वहाँ नहीं फॉलो करेगा, तो वहाँ प्रूफ करके बताएंगे। सबसे पहले हम प्लस को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा फोकस आपके प्लस पे है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्रम विनिमय। नेक्स्ट नियम है आपका योग का तत्सम अवयव। ठीक है, तो तत्सम अवयव क्या होता है, योग के तत्सम अवयव का अर्थ, यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ा जाए तो आपका वही संख्या आ जाता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कोई भी आपका पूर्ण संख्या है जैसे कि 2 है, इसमें आप 0 जोड़िए तो संख्या क्या आएगा, 2 ही आएगा। कोई पूर्ण संख्या 4 है, 4 में 0 जोड़िए 4 आएगा। कहने का मतलब जो संवरक तत्सम अवयव कहता है कि अगर किसी भी पूर्ण संख्या में आप 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आता है। ठीक है, इसको हम योग का तत्सम अवयव कहते हैं। ठीक है, ये गुण फॉलो करता है आपका इस पे। तो योग के तत्सम अवयव का अर्थ, यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए जैसे 8 में 0 जोड़े हैं तो 8 आ गया आपका, 5 में 0 जोड़े हैं तो 5 आ गया, मतलब किसी भी संख्या में आप 0 जोड़िए आपकी वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है प्रगुण है उसको देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका योग का साहचर्य। ठीक है, साहचर्य का मतलब होता है अगर आपने ब्रैकेट लगाया है और आप ब्रैकेट को चेंज कर देते हो तब भी आपका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो आपका साहचर्य नियम को पालन करेगा। तो देखेंगे पहले प्लस पे कि आपका प्लस पे ही चेक कर रहे हैं, प्लस पे आपका ब्रैकेट चेंज करने पे उसके आंसर पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, अगर नहीं पड़ेगा तो आपको योग पर आपका साहचर्य नियम काम करेगा। तो देखिए यदि 3 संख्याओं के योग में पहले 2 संख्याओं के योगफल में 3री संख्या जोड़े तो ये योगफल 3ों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। कहने का मतलब आपका देखिए दिया है 4 + 1 + 5 = सॉल्व करेंगे तो आपका 4, और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं,
आपको पता है तो 5 1 6 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 आ गया। तो आप ब्रैकेट ऐसे लिए थे पहले, तभी आपका आंसर ऐसे आया। अगर ब्रैकेट आप चेंज कर दीजिए, मतलब जो ब्रैकेट आपका यहाँ पे था, अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, मतलब 4 + 1 कर देंगे, और प्लस ब्रैकेट आपको यहाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तभी भी आपका आंसर 10 ही आएगा। देख लीजिए, 4 1 5, पहले 4 1 4 1 5 हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, +5, ठीक है, ये 10, मतलब कहने का मतलब है ब्रैकेट को हम इधर उधर भी कर दिए हैं, तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक मिनट, सॉरी, कहने का मतलब है कि ब्रैकेट को चेंज करने पे, देखिए यहाँ इन दोनों के पास ब्रैकेट था, तो इनको सॉल्व किए तब भी 10 आंसर आ रहा है। अब ब्रैकेट क्या किए हैं, ये यहाँ इन दोनों के बीच लगा दिए हैं, तब भी इसको सॉल्व किए हैं, तब भी 10 आंसर आ रहा है। तो आपके आंसर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम कहते हैं आपका योग साहचर्य प्रगुण। योग इसलिए कहते हैं कि यहाँ प्लस, सब में प्लस प्लस है, अगर यही माइनस माइनस हो जाता तो यहाँ ये गुण फॉलो नहीं करता, आपका आंसर अलग अलग आ जाता, ठीक है। तो ये था आपका योग का साहचर्य। अब आ गया घूरे पे, अब उस पर घटाना पे देखेंगे कि क्या घटाने पे ये फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, घटाने पे लेंगे, तो ये देखिए घटाने के समारक प्रगुण। तो सबसे पहले समारक लेंगे, वही समारक क्या कहता है, किसी प्लस पे ये कह रहा था कि दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या ही आना चाहिए, तो आपका समारक फॉलो करता है। अब घटाने पे बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या लागू होगा, दो पूर्ण संख्याओं घटाने पे अगर पूर्ण संख्या आता है तब तो समारक होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो समारक नहीं फॉलो करेगा। तब यहाँ पे हम ना माइनस वाले को लेंगे, तो देखिए दो पूर्ण संख्याओं के घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती, कभी कभी तो होती है लेकिन हमेशा नहीं होती। तो अगर हमेशा नहीं हो रही है तो आपका फॉलो नहीं करेगा, तो ये समारोह गुण नहीं फॉलो करता है आपके घटाने पे। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखिए 7 आपका पूर्ण संख्या है, ठीक है, और आपका 7 में से क्या कर रहे हैं, दो घटा रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ रहा है 5। तो ये जो 5 तो आपकी पूर्ण संख्या है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको हम अगर चेंज कर देते हैं, मतलब 2 - 7 कर देंगे, तो आंसर आपका -5 आ जाएगा, जो आपका ये -5 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तो फॉलो किया लेकिन यहाँ पे आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा आपका पूर्ण संख्या नहीं आता है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, कौन सा, मतलब समारक नियम घटाने पे काम नहीं करता, ठीक है। दो पूर्ण संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि समारक नियम क्या घटाने पे काम करता है, तो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घटाने का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या कहता है, अगर आप क्रम चेंज कर दो तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस वाला क्या कह रहा था कि अगर दो पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं तो आंसर सेम आंसर आ रहा है, जो अगर उनका हम क्रम चेंज कर देते हैं तब भी जोड़ने के बाद आंसर सेम आना चाहिए। तो अब वहाँ फॉलो कर रहा था, हमने देखा यहाँ माइनस पे लेंगे, घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। देखिए प्रूफ कर किया जा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिए 4 - -5 किया है, तो यहाँ पर -1 आंसर आया है, ठीक है। अगर इनका हम क्रम चेंज करके घटाएं, मतलब 5 - 4 करें, तो यहाँ पे आंसर आपका 1 आ गया। तो क्या ये आपका आंसर सेम आ रहा है, आंसर यहाँ सेम नहीं आ रहा है, तो ये आपका जो घटाने क्रम विनिमय होता है नहीं फॉलो करता है। अगर हम क्रम को चेंज करके घटाएं तो आपका आंसर अलग अलग आ जाता है, तो ये आपका घटाने का क्रम विनिमय फॉलो नहीं करता है, लेकिन यही प्लस पे कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घटाने में शून्य का तत्समता का नियम, ठीक है। घटाने के संक्रिया से पूर्ण संख्याओं के लिए 0 तत्सम आयोवा नहीं है। हम वहां देख रहे थे कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ रहे थे, वही संख्या आ जा रहा था, ठीक है। अगर यहाँ हम देखिए क्या करते हैं, अगर हम ये 7 है, 7 में से 0 घटाते हैं तो आपका यहाँ पे 7 तो आ जाएगा, लेकिन अगर 0 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका -7 आएगा। तो यहाँ पे आंसर का क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है। वहाँ प्लस वाले पे क्या कर रहे थे, 0 में 7 जोड़िए तब भी 7 आ रहा था, और 0 7 में 0 जोड़िए तब भी 7 आएगा, और 0 में 7 जोड़िए तब भी 7 आएगा, तो यहाँ तो फॉलो कर रहा था। और लेकिन यहाँ पे देखिए 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा माइनस वाले में, लेकिन 0 में से 7 घटाएंगे तो -7 आएगा, तो ये आंसर अलग आ गया ना, तो ये आपका काम नहीं करता इस पे भी। तो घटाने पर आपका
शून्य का तत्समता का नियम काम नहीं करता है, ठीक है। अब साहचर्य नियम देख लेते हैं। साहचर्य नियम में ब्रैकेट को चेंज करने वाला आ रहा था, वो क्या कहते हैं, ब्रैकेट के साथ सॉल्व करते हैं और बिना ब्रैकेट के तब भी देखते हैं क्या आंसर होता है। तो घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नियम नहीं है, इस पे भी साहचर्य नियम नियम काम नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल है आपका 6 -3 -2, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, अब -2 है तो -2 = 1, इसका आंसर 1 आ रहा है। अगर हम यही ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, जो ब्रैकेट आपका इन दोनों के बीच में था, अब ब्रैकेट आपका इन दोनों के बीच में करेंगे तो 6 माइनस, ठीक है, और आपका 3 -2, ठीक है, ब्रैकेट हम हटा दिए हैं, यहाँ ब्रैकेट था तो अब इन दोनों के बीच में कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर अलग आएगा, देखिए ये 6 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, 3 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा 5, तो यहाँ 5 आंसर आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो आंसर अलग आ रहा है। तो इस पे आपका ये साहचर्य गुण फॉलो नहीं करता है माइनस पे, और प्लस वाले पे कर रहा था। मान लीजिए प्लस वाले पे 1 + 2 + 3 है, यहाँ आया है, आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1 + 3 = 5, 6 ही आंसर आएगा। चाहे आप ब्रैकेट को 1 + 2 + 3 करिए तब भी आपका 6 ही आंसर आएगा, कहने का मतलब है। तो घटाने पे आपका साहचर्य गुण काम नहीं करता है। अब यहाँ से स्टार्ट है आपका, हम देखेंगे पूर्ण संख्या का गुणा पे प्रगुण क्या होता है, गुणा पे क्वालिटी क्या होती है, मतलब फॉलो कौन कौन से नियम को करता है गुणा पे, इसको कल देखते हैं। अभी आप दो पे दो जो भी ऑपरेशन थे आपके प्लस और माइनस वाले पे देखा, इनकी कौन कौन फॉलो करता है गुण, अब कल आपको देखेंगे ना जो तीसरा बच गया है और चौथा, तीसरा आपका गुणा पे चेक करेंगे और फिर आपका चौथा आपका भाग पे करेंगे। ओके, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये टेलीग्राम का लिंक है आपका, इस पे आप जुड़ सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, थैंक यू।